नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कहानी के आखिरी पार्ट को। तो अब तक आपने सुना था, मोहिनी ने पुराने सारे नौकरों को हटाकर नए नौकरों को रख लिया था। मेरे पिता ने विरोध किया क्योंकि वह सब पुराने नौकर थे और विश्वास के लायक थे, लेकिन मोहिनी ने मुझे मना लिया और मैंने पिताजी को। एक दिन जब मैं लौट कर आया तो पिताजी का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो चुका था। उनकी आंखें बाहर को निकली हुई थी। मोहिनी दहाड़े मार कर रो रही थी और उसका चचेरा भाई उसे ढंडास बांध रहा था। मेरा तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। पिताजी मेरी सांस थे। पिताजी के जाने के बाद मुझे बुरे बुरे सपने आते थे। पूरा घर में पता नहीं क्यों एकदम से मनुष्यत सी छाई हुई थी। मैं अंदर ही अंदर घुलता जा रहा था, लेकिन मोहिनी अपनी दुनिया में ही मस्त थी। रोजाना अपने चचेरे भाई को लेकर बाहर जाती, देर रात तक लौटती। मैं कुछ बोलता तो मुझ पर ही हावी हो जाती। मेरे ऊपर अंग्रेजों का दबाव था। समय पे लगान गांव वालों से लेकर अंग्रेजों को देना, कुछ रिश्तेदारों की नज़र तो मेरी ज़मीन पर भी थी, उनसे भी निपटना। एक दिन मोहिनी मेरे पास एक पंडित को ले आई। वो पंडित कम तांत्रिक ज़्यादा लग रहा था। उसने कहा, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए पूजा पाठ करेंगे। नीचे इसी तहखाने में अनुष्ठान शुरू हुआ। वे तांत्रिक एक छोटे से शीशे का मुंह बार बार मेरी ओर करके कुछ मंत्र बोल रहा था। अनुष्ठान खत्म होने के बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ही खराब रहने लगी। अब मैं ज़्यादा ही लेटा रहता था। धीरे धीरे कारोबार, हवेली, सब कुछ की बागडोर मोहिनी और उसके चचेरे भाई के हाथों में आ गई। एक रात अचानक मेरी नींद खुली, प्यास के मारे खुल गई थी। मोहिनी कमरे में नहीं थी। मैं उठकर पानी लेने किचन में गया। मुझे तहखाने की तरफ से जोर जोर से बात करने की और हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैं दबे पांव सीढ़ियों से उतरकर तहखाने के दरवाजे के पास पहुंचा। वहां मोहिनी, तांत्रिक और उसका चचेरा भाई आपत्तिजनक अवस्था में दिखे। तभी मोहिनी की आवाज़ आई, कितनी आसानी से उस रहीस जादे को मूर्ख बनाकर उसकी सारी दौलत हम लोगों ने हथिया ली। और सब हंसने लगे। चचेरा भाई हंसकर बोला, सच में मोहिनी, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। मैं और तुम भाई बहन की आड़ में उसके पीठ पीछे अय्याशी करते रहे और अंधा बना वो समझ ही नहीं पाया, लेकिन उस बुढ़े की नज़र से हम बच ना सके। उसने हमें बेडरूम में रोमांस करते हुए देख लिया था और उसका खामियाजा उसे जान देकर ही चुकाना पड़ा। तांत्रिक ने कहा, वाह क्या बात है, अब तो सब कुछ मोहिनी, मेरी जान तुम्हारा ही है। मोहिनी ने एक विजयी मुस्कान के साथ कहा, वो तो है ही, और कहने लगी, अच्छा ही हुआ, बुढ़ा दिन रात हमारी हरकतों पर नज़र रखे था। उस दिन तो हमारा भांडा फूट ही जाता अगर उसका काम तमाम ना किया जाता। तांत्रिक ने कहा, सही है, अब वो अमर तुम्हारा पति पूरी तरह कब्जे में है, अब वो एक जिंदा लाश ही है। कुछ देर तक मैंने अपने आप को रोक रखा था। मेरी मुट्ठियां भिज गई थी, अंदर जैसे बारूद फट रहा था। और उन सभी लोगों की बेशर्मी हंसी देख मैं खुद को काबू में नहीं रख पाया। मैंने अंदर प्रवेश किया। मुझे देख वो लोग चौंक गए, लेकिन मोहिनी निर्लज बैठी रही। मैंने वहीं टंगी तलवार उठा ली और मोहिनी की ओर दौड़ा। उल्टा लालची औरत, मेरे प्यार में क्या कमी थी, तुझे मैंने जी जान से प्यार किया था। अब मैंने जाना कि तू मेरे प्यार के लायक ही नहीं थी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अचानक एक गोली और मेरे सीने के पार हो गई। उसके चचेरे भाई, ये कहना अब रिश्ते का अपमान होगा, उसके आशिक ने रिवॉल्वर निकालकर मुझ पर गोली चला दी। मैं गिर पड़ा। तांत्रिक चिल्लाया, अरे मूर्खों, तूने इसकी हत्या कर दी। मैंने इस पर टोटका कर रखा था, ये मेरे बस में था, अब इसकी रूह यही रहेगी और ये हम तीनों को मार देगा। ये मर कर भी नहीं मरा। ऐसा करो, तुम लोग हवेली से निकलने की तैयारी करो, मैं इसे संभालता हूँ, जाओ जल्दी जाओ, तांत्रिक चिल्लाया। मोहिनी और परेश
उसका भाई जल्दी जल्दी सारे कागजात, गहने, जेवरात बटोरने में लग गए। सब कुछ पाकर भी उन्हें हवेली छोड़नी पड़ रही थी। कहते हैं ना, पाप से अर्जित की गई संपत्ति का उपयोग करना आसान नहीं है। वे धन संपत्ति किस काम की, जिसे पाने के लिए कितनों का दिल दुखे और कितनों की लाशों से गुजरना पड़े। वे हवेली छोड़कर फरीदाबाद में बस गए और तांत्रिक ने मेरी रूह इसी आईने में कैद कर दी। मैं इस आईने में कैद हूँ और तब तक रहूँगा जब तक तांत्रिक के पास वो छोटा सा शीशा किसी तरह से टूट ना जाए। अमर अपनी कहानी सुनाकर चुप हो गया। रतन ने कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, बताओ मुझे क्या करना होगा। अमर ने कहा, बस तुम किसी तरह उन्हें इस हवेली तक ले आओ। रतन ने कहा, जरूर। रतन तहखाने में से वापस आ चुका था। उसने दरवाज़ा बंद किया और वापस अपने कमरे में आ गया और अगले दिन की परीक्षा की तैयारी में जुट गया। परीक्षा देने के बाद उसने अपने दोस्त सौरभ से फ़ोन किया और मकान मालिक का फ़ोन नंबर देने को कहा, क्योंकि सौरभ भी मकान मालिक से नहीं मिला था। सिर्फ हिदायतें और चाबी ही एजेंट के माध्यम से सौरभ को मिली थी। सौरभ ने एजेंट को फ़ोन कर मकान मालिक को फ़ोन नंबर लिया और रतन को दिया। जब रतन ने फ़ोन किया तो उधर से महिला की आवाज़ आई, कौन? रतन ने कहा, हेलो, मैं आपका किराएदार बोल रहा हूँ, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। उधर से आवाज़ आई, क्यों? रतन ने नम्रता से जवाब दिया, ऐसा है मैडम कि मैं आपकी यह हवेली खरीदना चाहता हूँ, परंतु यह हवेली हमें नहीं बेचनी। मोहिनी ने उधर से कहा, मैडम मैं आपको हवेली के 10 करोड़ रुपये दूंगा। उधर पीछे से रतन को एक पुरुष की आवाज़ आई, किससे बात कर रही हो डार्लिंग? मोहिनी ने थोड़ी देर में रतन को फ़ोन करने को कहा। सुनो परेश, वो किराएदार हवेली खरीदना चाहता है, मोहिनी ने कहा। परेश ने कहा, मोहिनी पागल हो गई हो? तहखाना भी तो हवेली में ही आता है, अगर उसे खोला तो कहीं दफन राज बाहर आ जाएंगे। लेकिन परेश, हवेली बेकार पड़ी है, कोई किराए में भी नहीं लेता है, हम उसमें रह भी नहीं सकते। अगर ये बिक जाए तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा और 10 करोड़ भी मिल जाएंगे, सौदा बुरा तो नहीं है। और तहखाने का मैंने सोच लिया है, हम उस भाग को नहीं देंगे, वो हिस्सा हमारे ही कब्जे में रहेगा। परेश ने कहा, अरे वाह, खूबसूरती और दिमाग में तुम्हारा कोई जवाब नहीं मोहिनी। इस बार खुद रतन को फ़ोन मिलाया। रतन इंतजार ही कर रहा था, उसे पता था कि जो चारा उसने फेंका है उसमें मछली जरूर फंसेगी, और ऐसा ही हुआ। मोहिनी, हेलो रतन जी, बोल रहे हैं आप? हमें सौदा मंजूर है, लेकिन मुझे हवेली के 12 करोड़ चाहिए और नीचे तहखाने का हिस्सा हमें नहीं बेचना। रतन ने फिर चाल चली, उसने और भी रुपए बढ़ा दिए। उसने कहा, 14 करोड़ लीजिएगा और ये हवेली पूरी तरह मेरे हवाले कर दीजिए। मोहिनी लालच में आ गई, उसने कहा, हमें कल तक का समय दीजिए सोचने का। रतन ने कहा, कोई बात नहीं, आराम से सोच लीजिए। मोहिनी, परेश और तांत्रिक तीनों मिलकर विचार विमर्श करते हैं। बाद में फैसला होता है कि हवेली के कागज तैयार करवा कर रतन को यहीं बुला लेते हैं, हम में से कोई हवेली नहीं जाए। अगले दिन मोहिनी ने फ़ोन कर ये कहा कि आप यहीं आ जाओ फरीदाबाद में, हम हवेली के पेपर साइन कर आपको यहीं हमारे घर पर देंगे। रतन ने कहा, लगता है आप लोगों को सौदा मंजूर नहीं है, वरना इतनी शर्तें ना रखते। मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि कभी भी मुझे परीक्षा या इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, रतन ने कहा। काफ़ी ना नकूर के बाद मोहिनी आने को तैयार हो गई। रतन की योजना कुछ हद तक तो पूरी होती दिख रही थी। मोहिनी, परेश और तांत्रिक तीनों आए। वो तीनों काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन चालबाजी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। पहले उन्होंने अंदर आने से मना कर दिया, फिर रतन के जोर देने पर मोहिनी परेश तो अंदर आ गए, लेकिन तांत्रिक बाहर ही रुका। रतन ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। रतन बातों बातों में उन लोगों को तहखाने तक ले गया। मोहिनी ने देखा कमरे में ताला लगा है, उसने चैन की सांस ली। रतन ने उस कमरे की चाबी मांगी। मोहिनी ने कहा, इसकी चाबी तो खो गई है और इस कमरे को अच्छा होगा आप ना ही खोलें। इधर उनकी आंख बचाकर रतन ने दरवाजे का ताला खोल दिया।
अचानक एक धूल भरी आंधी आई और उन दोनों को अंदर खींच ले गई। दोनों चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। तांत्रिक दौड़ दौड़ कर आया। उसने देखा शीशे से दो हाथ निकलकर उनकी गर्दन दबा रहा था। तांत्रिक ने तुरंत अपने पास से वो छोटा सा शीशा निकालकर जिस पर उसने टोटका किया था, वे तेज तेज मंत्र पढ़ने लगा जिससे हाथों की पकड़ ढीली हो गई। रतन को अचानक पता नहीं क्या सूझा, उसने एक लाठी तांत्रिक के शीशे की ओर दे मारी। निशाना सही लगा, शीशा नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। अब अमर उस ड्रेसिंग टेबल के शीशे से आज़ाद हो गया। उसने तीनों को मार दिया, तीनों राख में बदल गए और इस तरह अमर का बदला पूरा हुआ। रतन को धन्यवाद कह अमर भी गायब हो गया, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। दोस्तों, ये था हमारा कहानी का एंड। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।